अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। सो आज हम बनाने जा रहे हैं ढाबा स्टाइल मसूर की दाल। वेरी इजी, टेस्टी, यमी और बिल्कुल मलाई जैसी बनेगी। और सारे इंग्रेडिएंट जितने भी होंगे वो सब आपको इजीली अपने घर में मिल जाएंगे। और यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लेना। और बिल्कुल मलाई जैसी ये दाल बनेगी, बिल्कुल कम इंग्रेडिएंट्स में बनेगी। चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब दाल ले ली, उसको आधे घंटे तक मैंने सोक करके रखा हुआ है पानी में। अच्छे से मैंने पानी में वॉश करके इसको, एक मीडियम साइज का मैंने टमाटर ले लिया और इसको मैंने जूलियन कट कर लिया। एक मीडियम साइज की अनियन ले ली, इसे भी मैंने जूलियन कट कर ली। अच्छे से मैंने इसको जूलियन कट कर लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने 2 बाय लीव्स ले लिए हैं, 2 बाय लीव्स, और उसको मैंने बीच में से 2 कर लिए हैं। 10 to 12 ग्रीन चिलीज, अच्छे से मैंने इसको वॉश कर ली है। 10 to 12 करी लीव्स ले लिए हैं, इसे भी मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ले लिया, अच्छे से फ्रेश जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया ताकि उसका टेस्ट अच्छा है। 1.5 टेबल स्पून कॉरियंडर पाउडर, 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ले ली है रेड चिल्ली पाउडर, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। टर्मरिक पाउडर अपने हर खाने में डालना चाहिए, इससे कैंसर से बचता है इंसान। कलौंजी, मेथी दाना थोड़ा थोड़ा सा लिया है, क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी ली है, ज्यादा नहीं लिए, और ये बहुत अच्छा होता है, डालना चाहिए। अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट ले लिया, आपके जैसा खाया जाता आप वैसा ले लें। 1 जग मैंने वाटर ले लिया। अब ये कैसे रेसिपी रेडी होगी, मलाई जैसी दाल, तो चलते हैं कैसे रेडी होगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किएगा, एंड तक देखिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल को हॉट करा और 1 जूलियन जो अनियन है मेरी वो मैंने इसमें ऐड कर दी। और इसको हम लाइट गोल्डन कलर देंगे, बिल्कुल स्लो आंच पे, ताकि ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। और लाइट गोल्डन कलर देंगे हम इसे, डार्क ब्राउन नहीं करना है हमने इसे, ठीक है। और इसको हम बस लाइट गोल्डन कलर दे देंगे, ज्यादा डार्क हमने इसको नहीं करना है, ठीक है। और ये बिल्कुल मसूर की दाल ढाबा स्टाइल जैसे होती है। कुछ लोगों की दाल जो है प्याज खड़ी हुई नजर आती है, टमाटर खड़े हुए नजर आते हैं, तो ये बहुत सी रेसिपीज हैं इस दाल की, लेकिन ये बिल्कुल न्यू सी रेसिपी है, तो बिल्कुल स्किप नहीं किएगा आप लोग। चलते हैं अपने, अब क्या डालना है हमने। यहाँ पे मैंने इसको बिल्कुल स्लो आंच पर रखी है ताकि ये अच्छे से लाइट गोल्डन हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल लाइट गोल्डन हो चुकी है, ज्यादा डार्क हमने इसको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर देना है 2 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट मैंने फ्रेश ऐड किया है, क्योंकि फ्रेश का जो टेस्ट होता है वो बहुत ही यूनिक यमी सा होता है। यहाँ पे बस मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देने हैं 2 बाय लीव्स, और बाय लीव्स को मैंने अच्छे से बीच में से 2 कर लिया है, ठीक है। उसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि जो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट हमने ऐड किया है उसका टेस्ट अच्छा आ जाए। 1 मीडियम साइज का जो टमाटर था मेरे पास वो मैंने इसमें ऐड कर देना है, जूलियन कट में है टमाटर मेरे पास, और अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे इसको भी, ताकि टमाटर का जो हमारा टेस्ट है वो अच्छा सा एक अरोमा आने लग जाए, ठीक है। बस मैंने इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है ऑयल में, ताकि हमारे जो टमाटर है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना, बस मैं इसको क्या करूंगी, तेज आंच पे मैं इसको फ्राई कर लूंगी, ताकि जो हमारे टमाटर है वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट से हो जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर देना है कोरिएंडर पाउडर जो है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर, कलौंजी, मेथी दाना, ये सारा मसाला मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। अब पानी मैंने इसमें ऐड कर देना ताकि जो हमारे मसाले हैं वो लगे नहीं, जले नहीं। बस हम इसको अच्छा सा भून लेंगे, फ्राई कर लेंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं बिल्कुल अच्छे से एक मसाला हमारा अच्छा सा बन जाए। और ये बहुत ही यमी सी रेसिपी है, बिल्कुल मलाई जैसी ये दाल बनेगी, तो आपने जरूर ये रेसिपी ट्राई करनी है और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करने हैं। उसके बाद मैंने जो 1 पाव के करीब दाल को सोक करके रखा हुआ था आधे घंटे तक, वो मैंने इसमें ऐड कर देनी है, और हम इसको भी क्या करेंगे, अच्छे से भून लेंगे, ताकि मसाला जो हमारा मसाला वगैरह, टमाटरों का जो टेस्ट है, मसाले का जो टेस्ट है, वो हमारी दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। अच्छे से हम इसको भी भून लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप मैंने देख सकते हैं कि बिल्कुल मैंने तेज आंच रखी हुई है, और आप लोग मुझे ज्यादा से ज्यादा अप्रिशिएट भी करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं मेरी वीडियोस को, अपने फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स में सबके साथ शेयर करें, और लाइक, कमेंट, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि बिल्कुल दाल को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था ताकि ये
लगे नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको तेज आंच पर अच्छे से मैंने फ्राई करा ताकि मसाला वगैरह जो हमारी दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे मसाला जो है कितना अच्छे से मिक्स हो चुका है और रोगन आने लग गया था, तो जितना भी हमारा एक जग के करीब पानी था वो मैंने इसमें ऐड कर देना है ताकि जो हमारी दाल है वो अच्छे से गल जाए। जब तक दाल गलेगी हमने क्या करना है, बस तेज आंच रखनी है। उसके बाद तेज आंच में 2 to 5 मिनट में इसको तेज आंच पे पकाऊंगी। उसके बाद मैंने इसकी मीडियम आंच कर देनी है, ज्यादा तेज आंच पे नहीं छोड़ना है उसके बाद हमें, ठीक है। अब बस मैंने क्या करना है, इसको मैंने ढक देना है, आधा ढक्कन ढकना। और अभी तक मैंने इसके अंदर नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि अगर आप नमक ऐड कर देंगे तो हमारी जो दाल है वो खड़ी रह सकती है, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दाल अकड़ जाती है हमारी दाल, तो इसलिए मैंने नमक ऐड नहीं किया था। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 से 12 मिनट के बाद हमारा दाल भी गल चुकी है और जो पानी था वो बहुत अच्छे से ड्राई भी हो चुका और भुन चुकी है हमारी दाल। अब बस मैंने क्या करना है, तेज आंच पे इसको भूननी है ताकि रोगन हमारा अलग हो जाए। और अब ऐड करना है हमने नमक, क्योंकि हमारी जो दाल है वो गल चुकी है। अगर हम नमक पहले ऐड कर दे दें तो हमारी जो दाल थी वो अकड़ जाती, गलती नहीं, इसलिए हमने नमक ऐड नहीं करना है। ये जो छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं इसको आप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपीज जो हैं बहुत यूनिक से, यमी से, टेस्टी से बनेंगी, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दाल को मैंने अच्छे से तेज आंच पर फ्राई करना है। और बस अब बस मैंने क्या करना है, इसको घोटा करना है। घोटा आपके पास जो होता है दाल घुटने वाला, उससे आप इसको इजीली घोट सकते हैं, घोट लें। बस मैंने इसको क्या करना है, अच्छे से घोटना है ताकि जो हमारी दाल है वो तेज आंच पे है, मीडियम आंच है अभी, ताकि हमारी दाल घुट भी जाए और अच्छे से भुन भी जाए और रोगन भी हमारा अलग हो जाएगा। तब तक मैंने इसको घोटना है, बस 5 से 10 मिनट तक मैं इसको घोटती रहूंगी। और बस मैंने इसको घोट लूंगी अच्छे से। और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो है, जब तक हमने गाढ़ी ना हो जाए, जब तक गाढ़ी नहीं हो हमारी दाल, तब तक हमने इसको घोटना है, ठीक है। बस अब मैं क्या करूंगी, इसको 5 से 7 मिनट के लिए मैं घोट लूंगी इसे, ताकि मेरी जो दाल है, जितनी आप गाढ़ा पसंद करते हैं दाल को उतना आप गाढ़ा रख सकते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं दाल हमारी जो है वो गाढ़ी होने पर आ रही है। और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोज को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो उसको भी जाइए और जल्दी जल्दी देखिए। और अब यहाँ पे हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छे से घुट चुकी है, गाढ़ी हो चुकी है। अब हम बघार के मसाले की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की अनियन ले ली जूलियन कट में, 10 से 12 गोल वाली मिर्चें ले ली, 10 से 12 ही मैंने हरी मिर्चें ले ली, और इसको मैंने बीच में से दो कर लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसको बीच में से दो कर लिया है। 1 टेबल स्पून जीरा ले लिया मैंने, क्यूमिन, और 10 से 12 ही मैंने करी लीव्स ले लिए। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद मैंने क्यूमिन ऐड करा, ऑयल डालने के बाद मैंने इसके अंदर क्यूमिन ऐड कर दिया। क्यूमिन को हम जब तक फ्राई करेंगे तब तक इसके अंदर गार्निश, एक ब्राउनिश तरह आ जाए, अरोमा आ जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 मीडियम साइज की अनियन ऐड कर देनी है। उसको हम बिल्कुल स्लो आंच पे फ्राई करेंगे ताकि जो इसका कलर है बिल्कुल गोल्डन सा आए, और गोल्डन हमने इसको ब्राउन करनी है, ज्यादा डार्क नहीं करनी है, बस गोल्डन करनी है। उसके बाद मैंने क्या करना है, बस इसको मैं स्लो आंच पे करूंगी ताकि ये अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे फिर मैंने हरी मिर्चें, गोल मिर्चें और बाकी जो हमारा करी लीव्स वगैरह थे सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, और जो हमने बघार डाला था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया दाल के अंदर। और आप यहाँ देख सकते हैं कि दाल जो हमारी कितनी यमी सी, बिल्कुल मलाई की तरह से बनी है और बहुत ही यमी सी बनी है। तो इस रेसिपी को भी आप लोगों ने जरूर ट्राई करना है। सो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो ऐसे की वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और ये दाल जो है आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी है और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना है कि ये रेसिपी कैसी बनी। मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और इस रेसिपी आप लोगों ने जरूर ट्राई करनी और अपने फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।